फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शर्मा ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, जैसा कि हमने कहा था कि हम कक्षा 11वीं का जो पेपर है आपकी तैयारी 80 में से 80 करवाएगी। दोस्तों, इसी को लेकर दोस्तों मैं कक्षा 11वीं अंग्रेजी के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 15 मार्च अंग्रेजी का जो पेपर होने वाला है उसके लॉन्ग आंसर कर लेके आया हूँ, जो आपको जितने करवा रहा हूँ सारे सेक्शन में से, चाहे वो स्नैपशॉट्स हो, हॉर्नबिल हो या पोएट्री सेक्शन हो, बस आपको ये 10 से 12 क्वेश्चन कर लेने हैं और सारे के सारे क्वेश्चन परीक्षा में इसी में से आपको मिल जाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है ब्रिंग आउट द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द सिटी स्कूल एजुकेशन एंड विलेज स्कूल एजुकेशन। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट इन द फ्रेंडशिप बिटवीन द ग्रैंड मदर एंड द ऑथर। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्लेन 3 रीजंस व्हाई द ऑथर्स ग्रैंड मदर वाज डिस्टर्ब्ड व्हेन ही स्टार्टेड गोइंग टू अ सिटी। दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं जो डेली हंट द्वारा बनाई गई है। इस साल डेली लर्न ने आई अचीव स्कॉलरशिप एग्जाम रखा है, इसमें भाग लेकर आप मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और स्मार्टफोन जीत सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके जल्दी से रजिस्टर लीजिए और पाइए 50 करोड़ की स्कॉलरशिप जीतने का मौका। दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी खूबी तो ये है कि पहली बार किसी ने बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहर और ग्रामीण भागों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुँचाने का निर्णय लिया है और यहाँ इंग्लिश के साथ साथ हिंदी माध्यम में भी पढ़ सकते हैं। डेली लर्न जल्द ही अपना ऐप लाने वाला है जहां आपको लाइव क्लासेज, स्टडी नोट्स, टेस्ट सीरीज और कुछ मिलेगी। तो आप वेट किसका कर रहे हैं, जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और इनाम जीतिए। अगला क्वेश्चन है डिस्कस द फर्स्ट टू सेक्शन ऑफ द इवेंट ऑन द सी वॉइस। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द एम ऑफ द ग्रीन मूवमेंट। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम ए फोटोग्राफ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन है आपको सेंट्रल थीम याद करनी है लेबर्न टर्म टॉप की। उसके बाद में है एट्थ है व्हाट हैपन्स इन द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द पोयम द लेबर्न टॉप। नाइन्थ है व्हाट विल हैपन इफ देर इज नो रेन। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट मेक्स द स्टोरी द समर ऑफ द ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स इज इंटरेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 11 है डिड द बॉयज रिटर्न द हॉर्स बिकॉज देवर कंसेंस स्टिकन और बिकॉज देवर अफ्रेड। आपको इसका जवाब देना है। ये क्वेश्चन नंबर 11 थे दोस्तों, जो आपको तीनों सेक्शन में से करने थे। और दोस्तों, वेट करिएगा, अब आपके लिए हम लेके आएंगे जितने भी लेटर्स राइटिंग हैं। अगले पार्ट में लेटर राइटिंग है वो मैं लेके आऊँगा और आपको रियल पेपर भी प्रोवाइड करा जाएगा। आपको इतना करना है कि जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप दिया हुआ है, प्राइवेट ग्रुप हमने 9th और 11th के लिए सेपरेट बनाया हुआ है, उसमें जाकर फटाफट ज्वाइन हो जाइए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।